द्वारा पाठवेल नोटिस मुजब वडोदरा शहर में लाइसेंसवाड़ी और लाइसेंस विनानी चिकन मटन की दुकानों ने सील करवाना विरोध में वडोदरा जिला मुस्लिम युवा संगठन द्वारा कलेक्टरशीनी कचेरी खाते आवेदन पत्र साथ रजूआत करवामां आवी। माननीय गुजरात हाईकोर्ट लाइसेंस विना चालती चिकन मटन की दुकानों अंगे पिटिशन संदर्भ में दुकानों ने सील करवाना आदेश बाद वडोदरा महानगरपालिका फूड एंड ड्रग्स विभागे लाइसेंस विनानी तथा जे दुकानों लाइसेंस की मुदत पूरी थी गई है और रिन्यू नहीं थे तेवी चिकन मटन की दुकानों ने सील करवामां आवी रही है। त्यारे आजरोज वडोदरा जिला मुस्लिम युवा संगठन द्वारा चिकन मटन की दुकानों सील करवाना विरोध में कलेक्टर श्रीनी कचेरी खाते आवेदन पत्र आप्युं हतुं, जेमां रजूआत करवामां आवी हती के वडोदरा शहर 1500 जेटली चिकन मटन की दुकानों आवेली छे अने तेना पर लगभग 4500 लोकोनुं गुजारण चाले छे, त्यारे कोई एक पिटिशन ने ध्यान में राखीने निर्णय लेवायो योग्य नथी। साथे ज आवा निर्णय लेता पहला तंत्र द्वारा 15 दिवसनो समय आपवो जोईए, साथे ज लाइसेंसनी प्रक्रिया सरल करवामां आवे अने आ निर्णय अंगे फेरविचारणा करवामां आवे तेवी मांगणी करवामां आवी हती। साथे ज जो आ निर्णय अंगे फेरविचारणा नहीं कराय तो आगळ गुजरात हाईकोर्ट जरूर पड़े तो सुप्रीम कोर्टना दरवाजा खखड़ावामां आवशे तेवी चीमकी पण उच्चारवामां आवी हती। म्युनिसिपल कमिश्नर ने कलेक्टर श्री ने आज अमे आवेदन आप्युं छे के छेल्ला अठवाडियामां बरोड़ा शहर में चिकन और मटन की दुकाने जो बंद करेली है तना 1500 फेमिलीओ जोड़ेली है, तो वडोदरा शहर कलेक्टर श्री ने अमे निवेदन करूँ कि तात्कालिक धोरणे आज सील मारेली दुकाने तात्कालिक धोरण खोलवामां आवे अने वडोदरा शहर में कॉर्पोरेशन द्वारा चिकन और मटन की एक मार्केट अहीं आपेली है तेने भी सील मारेली है ती भी तात्कालिक धोरणे खोलवामां आवे, केम के आ सील मारवाथी 35,000-4,000 માણસોના રોજીરોટીનો સવાલ છે અને આ દુકાન પર જ આ લોકો નભે છે, તો જે લાયસન્સની પ્રક્રિયા છે જે મ્યુનિસિપલ કલેક્ટર અને કમિશનર શ્રી જે લાયસન્સની પ્રક્રિયા સરળ કરે અને અમને 2-3 સેન્ટર આપે ત્યાંથી અમે લાયસન્સ અને રિન્યુ કરવામાં અમને મદદરૂપ થાય અને કેટલા લોકો આ ધંધાથી વર્ષોથી જોડાયેલા છે અને જે વર્ષોથી જોડાયેલા છે અને જે પરવાનાદારની જે ઇસ્યુ રિન્યુ નથી કરાતે તાત્કાલિક ધોરણે આ પરવાનાને રિન્યુ કરે એવી અમારી માંગણી બરોડા શહેર કલેક્ટરશ્રીને છે। ના, અમને કોઈ પણ પ્રકારની નોટિસ ફાળવવામાં આવી નથી, એ લોકો તાત્કાલિક ધોરણે આવી અને બરોડા શહેરની તમામ દુકાનોને બંધ કરેલી છે અને સીલ મારેલા છે। અમારી માંગ છે કે આ લાયસન્સની પ્રક્રિયા છે એ સરળ કરે અને જે બી નોર્મ્સ છે એ નોર્મ્સ પ્રમાણે અમે ચાલવા તૈયાર છે, પણ જ્યાં તક લાયસન્સની પ્રક્રિયા ના થાય ત્યાં સુધી આ દુકાનો તાત્કાલિક ધોરણે ખોલે એવી અમારી માંગણી છે।